जब रुक करते हैं शहर समुद्री का, समुद्री के नवाही गांव चक नंबर 47 गावे में सालाना मेला लगा हुआ है, वहां पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ सादक अली नदावा, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सादक अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरा रोड समुद्री मेला खतरावा वाले में 47 गावे खतरावा में मौजूद हूँ, जहाँ जैसा कि मेले की त्योहार पूरे पाकिस्तान में वन बाई वन करके एक मेला लगता है। मेले के बाद जो सूरत आवाम जो है इलाके की, हर साल बाद मेला लगने के बाद अपना एंजॉयमेंट अपना बच्चों को लेके त्योहार दिन पर आती है। मेरे साथ वो शायकीन मेले के वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज जो मेले में आके अपना क्या चीजें महसूस कर रहे हैं। जी आप मुझे बताइएगा कि आज आप मेला देखने आए हैं तो उस मेले में क्या चीज महसूस कर रहे हैं? हम यहाँ बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हमको यहाँ पर। मेले में क्या क्या चीजें? हमने झूले लिए और यहाँ से बहुत चीजें खाई। बहुत सुबह से आए हो? जी हम सुबह से आए हुए यहाँ पर। मेरे साथ एक और शायकीन भी जो कि मेला में अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ भी आया हुआ, उनसे भी जानते हैं कि उनका जो मेले में आकर पर जोश जो एंजॉय कर रहे हैं वो उनके वाले से क्या? जी ये सालाना मेला लगता है, साल बाद मेला आता है और इस मेले में झूले भी होते हैं, लकीरानी सर्कस भी होती है और किस्म की बहुत एंजॉयमेंट होती है और खाने पीने की चीजें भी होती है। आप अपने फैमिली के साथ आए तो आज क्या एंजॉय? जी हम फैमिली के साथ आए, छोटे बहन भाई आए हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है मेला देख कर। आज सुबह से आप आए हैं, शाम तक मेला देखेंगे तो क्या क्या चीजें देखें? जी हमने झूले उनपे बैठे हुए, झूले पर बैठे हुए सर्कस भी शाम को देखनी है और भी एंजॉयमेंट करेंगे बहुत सारी। सर्कस आप चाहते हैं कि मेले में सर्कस चलेगी? जी मेरी तो बढ़िया कि सर्कस चलेगी मेले में। गवर्नमेंट ने मुतल मेलों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, क्या इस मेले पे पाबंदी नहीं लगी? नहीं मैं चाहता हूँ की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एंजॉयमेंट होनी चाहिए आवाम के लिए। जी जैसा कि मेले के शायकीन भी और भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं तो उनका उस वाले से क्या कहना है? जी आप क्या एंजॉय कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं इस मेले में। क्या क्या चीजें देखी? हमने अब झूले ले रहे लगे। छोटे छोटे बच्चों का यही कहना है कि हम मेले में बहुत ही एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा देता है कि ये छोटे छोटे बच्चे झूले और मुख्तलिफ गेम जो है वो कर रहे हैं। और ये एक चीज और भी, जो बच्चे जाकर फैमिली का अपने पापा मामा को लेके जाते हैं कि हम मेले की एंजॉयमेंट करनी है। मेले की एंजॉयमेंट करने के बाद मुख्तलिफ स्कूलों और जो आज ये चीज है, स्कूलों से बच्चे भाग कर स्कूलों से छुट्टी करके बच्चे जो है आज मेला देखने के लिए आ गए। इस वन बाई वन करके आज जो है सबके झूले जैसा कि दिखा देता है मेरा कैमरामैन, जो कश्ती दिखा देता है, जो बच्चे एंजॉय और यहाँ तक अपना शोरगोल भी कर रहे हैं, बच्चे बिल्कुल एंजॉय भी कर रहे हैं, इनके साथ अपनी फैमिलियों के साथ आए हुए बच्चे आज मेले को। जैसा कि आपने शायकीन से भी बात सुनी है कि शायकीन मेरे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद है जो की झूले बिल्कुल खिलौने लेके आए हैं। जी बेटा बताइएगा आपने ये क्या लिया है? राइड राइड लिया है। कितने पैसों का लिया? 100 रुपये से। 100 रुपये का एक? ये क्या है, कितने का लिया? 100 रुपये का। कितने पैसे कार से लेके करो करो कितने पैसे कार से लेके आए? 600 रुपया। अब दिल्ली सरकार के दौर में इतनी महंगाई के दौर पर आवाज बैन जो है अपने बच्चों को एंजॉयमेंट करवाने के लिए 500-500 रुपया भी देते हैं ताकि बच्चे जो है अपने फ्रेशमेंट कर सके। मेरे साथ स्टूडेंट कॉलेज के वो भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं आज मेला देखने के लिए आए। जी आप मुझे बताइएगा कि आज कॉलेज से आप छुट्टी करके आए? यस नो, कॉलेज से छुट्टी नहीं। छुट्टी होगी किस मेले की? नो छुट्टी टाइम हुआ है। आज मेले में आके आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं? मेला जिंदगी में ऐसे इवेंट होने चाहिए। झूले वगैरह भी लाएंगे जो करेंगे? अभी आए हैं। अच्छा अभी आए हैं। स्टूडेंट की भी आपने बात सुनी है, वो भी उनका यही कहना है कि हम अभी मेले में एंटर हुए, जैसा भी वन बाई वन करके आते हैं हमारे पास। और मेरे साथ एक और शायकीन भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनके सवाल से बताइएगा आज के कॉलेज के स्टूडेंट? मैं पंजाब कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। क्या चीज मेले में? मेले में सब चीजें हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये झूले हैं और खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं। क्या चीज खाई आप? हमने अकेले आए हो या फैमिली के साथ आए? नहीं मैं दोस्तों के साथ आया हूँ। और दोस्त कितने लोग आए हो? 3 लोग आए हम। जी हाँ मेले के हवाले से आप एंजॉयमेंट करने के लिए आप? नहीं मेले के हिसाब से के ऐसे मेले लगने चाहिए, ठीक है कि एंजॉयमेंट होनी चाहिए और ऐसे मेले लगते रहे तो इंसान मतलब के खेलों में और बहुत से आने जाने जुने में मतलब के उनके फैमिली एंजॉयमेंट कर सकती है, ठीक है। और यहाँ का एंजॉय माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है, खाने पीने की चीजें बहुत अच्छी हैं। जैसा कि आपने पब्लिक की बात सुनी, शायकीन का यही कहना है कि मेले में हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ स्वीट वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, जहाँ बच्चों को हम झूले वगैरह दिलाकर बच्चों को एंजॉयमेंट भी करवाते हैं। और ये मेला
साल में त्योहार के दिन के एक ही साल में एक ही दफा लगता है, लेकिन वो मेला लगने का हमारा जो बच्चे हैं वो खुश हो जाते हैं। हम बच्चों को साल भर त्योहार के दिन पर बच्चों को लेके आते हैं, बच्चों को एंजॉयमेंट भी कराते हैं, झूले भी दिलाते हैं, खाने पीने की स्वीट वगैरह भी। लेकिन एक बात और बता दूं, जहां के मेले में मशहूर जलेबी जो कि देसी घी से तैयार की जाती है वो भी बच्चों के लिए खिलाते हैं। जी